नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक कारण। तो वैज्ञानिक कारण के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक कारण होते क्या हैं? जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो आपको उस पर प्रश्न उठता है कि यह चीज़ कैसे हुआ, यह कैसे हो रहा है, यह कैसे नहीं हो रहा है। जैसे हो गया कि प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है, जबकि अगर पतीले में या किसी टोप में रख करके जब हम दाल को पकाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। गर्मी में साइकिल की ट्यूब अधिक क्यों फटती है? तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक कारण आज का विषय हम लोगों का है, आज का हम लोगों का टॉपिक है वैज्ञानिक कारण। तो वैज्ञानिक कारण में कुछ ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, पहला है कि प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पकती है क्यों, इसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में विशेष प्रकार के ढक्कन होने के कारण जल की भाप बाहर निकल और पानी की सतह के ऊपर जमा होता रहता है। इस कारण पानी की सतह पर दाब बढ़ता जाता है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पक जाता है। गर्मी में साइकिल ट्यूब अधिक फटता है क्यों? साइकिल का ट्यूब रबर का बना होता है और उसके अंदर हवा भरी रहती है। गर्मी के मौसम में वायुमंडल का ताप अधिक होने के कारण ट्यूब के अंदर की हवा एवं ट्यूब दोनों फैलते हैं। ट्यूब की अपेक्षा गैस अधिक फैलता है। ट्यूब पर गैस का दबाव अधिक पड़ने के कारण साइकिल या किसी भी वाहन का ट्यूब फट जाता है। गुनगुनाते हैं तो भौंरे कैसे गुनगुनाते हैं? भौंरे अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालते, केवल उनके पंखों के कंपन के कारण हमको भनभनाना या गुनगुनाना सुनाई पड़ता है। कंपन के कारण गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि उड़ने के क्रम में भौंरों के पंख प्रति सेकंड 400 बार से अधिक कंपन करते हैं, जिसके कारण उनके पंखों से आवाज़ रात में टिमटिमाते हैं क्यों? तारों के प्रकाश को पृथ्वी के अनेक वायुमंडलीय परतों से गुजरना पड़ता है, जिससे इस भिन्न भिन्न घनत्व वाली परतों से तारों के प्रकाश किरणों को कई बार विचलित होना पड़ता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ अपने साथ कई प्रकार के लवण बहा करके समुद्र में मिलाती हैं। धीरे धीरे इन लवणों की मात्रा बढ़ जाने के कारण समुद्री जल खारा या नमकीन हो जाता है। छिपकलियां दीवार से कैसे चिपकी रहती हैं? आप देखते होंगे कि छिपकलियां दीवार पर चलती हैं, दौड़ती हैं, अपने शिकार को पकड़ती हैं, लेकिन वे कैसे चलती हैं, आपने कभी सोचा है? तो छिपकलियां दीवार पर इस प्रकार से चलती हैं। छिपकलियों के पैर लचीले दार कप के आकार का बना होता है, जो हवा के दबाव के कारण निर्वात उत्पन्न करके दीवार से चिपकी रहती हैं और आसानी से दीवार पर चलती रहती हैं, और वे आसानी से दीवार पर चल सकती हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए वे दौड़ भी सकती हैं। सांप बिना कान के कैसे सुन लेता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि सांप के पास कान नहीं होता, लेकिन तब भी वो आवाज़ को सुन लेता है। तो कैसे सुनता है? कान के अभाव में सांप हवा में आने वाली ध्वनि तरंगों को नहीं सुन पाता है, किंतु पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली कंपनों को सांप अपनी संवेदनशील त्वचा द्वारा महसूस कर लेता है और इस तरह से वह सक्रिय हो जाता है। रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं,
और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, किंतु रात में पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। प्यास क्यों लगती है? हमारे शरीर के रक्त में जल तथा नमक की हमेशा एक स्थिर और निश्चित अनुपात रहता है। किसी कारणवश रक्त में जल की मात्रा कम होने पर जल तथा नमक का अनुपात असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण गला सूखने लगता है और हमें प्यास महसूस होने लगती है। यह आभास मस्तिष्क के तंतुओं द्वारा होता है। क्या आप कभी महसूस किए हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात में जब बादल चमकते हैं और गर्जन होता है तो चमक हमें पहले दिखाई पड़ती है और आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है। इसका प्रश्न क्या है? बिजली की चमक पहले और मेघ गर्जन बाद में सुनाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकाश का वेग 3000 मीटर पर सेकंड है, जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है। दोनों तरंगें साथ ही चलना प्रारंभ कर, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अत्यधिक होने के कारण प्रकाश ध्वनि से पहले आँख तक पहुँच जाता है, जबकि ध्वनि तरंग उसके पश्चात कान तक पहुंचता है। यही कारण है कि चमक पहले दिखाई पड़ती है और गरज बाद में सुनाई पड़ता है। कुत्ता पागल क्यों हो जाता है? कुत्ते का पागलपन एक वायरस के कारण होता है जो दूसरे जानवर या वायु द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये विषाणु 4 से 6 सप्ताह के भीतर अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। जब यह वायरस पूरे शरीर में फैल कर मस्तिष्क पर हमला करता है, उत्तेजित हो जाता है और गुर्राना, भौंकना तथा काटना शुरू कर देता है। इस स्थिति में कुत्ता 3 से 4 दिन में मर जाता है, किंतु यह जिसे काट लेगा उसके लिए बहुत घातक हो जाता है। इसके काटने से खतरनाक बीमारी हीमोफीबिया भी हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।